इस वक्त हम खड़े हैं डीसी ऑफिस के, क्योंकि यहाँ पर जो शमशान घाट है उसका सामने कोई भी घाट नहीं था कि अस्थि विसर्जन करे। ये तो वन टाइम का नहीं है, ये तो आने वाले 100-100 साल तक अभी इसमें काम होगा, इसमें अपने नमस्कार, न्यूज साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित, इस वक्त हम खड़े हैं डीसी ऑफिस के यहाँ पर। और जैसा हम आपको बता दें, हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति एनजीओ के कई यहाँ पर सदस्य है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये लोग आज डीसी सर से मिले थे। जैसा आपको आप सभी को पता होगा, अभी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, गंगा घाट प्रोजेक्ट, जो कार्बन स्कोप के ये शुरू होगा, ताकि यहाँ पर जितनी भी मतलब हस्तियाँ हैं उसको बहाने के लिए। तो आइए इसी विषय में हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम मीनती जी से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार, आज हम लोग डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, क्योंकि हमारे एक अस्थि विसर्जन घाट की ज़रूरत थी। बहुत दिन से ये सब सोच रहे थे कि होना चाहिए, लेकिन हम लोग जब मिले थे सीएस साहब से तो बोले कि ये होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो शमशान घाट है उसका सामने कोई भी घाट नहीं था कि अस्थि विसर्जन करे। बहुत मुश्किल से जब वो पानी उतर जाते, नीचे उतरने से भी बहुत कीचड़ होते थे, तो ये सब देखते हुए यहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेशन ये बात मान लिया है और इसके अप्रूवल दिया है, शायद ये काम भी होने वाले है। हमारे ये धर्म के लिए बहुत अच्छा एक काम होगा, ये बहुत ज़रूरी भी था, इसीलिए जब लोग आए थे सम्मानित करने, तो हम लोग सबके ही हमारे जो हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से सबके आए थे, और मैं तो हिंदू राष्ट्र शक्ति महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए मैं सबको ये सूचित करना भी ज़रूरी है कि ये काम हुआ है और आगे कम्प्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद। आइए इसी विषय में इसके जनरल सेक्रेटरी युवा मोर्चा विंग से मिस्टर अंशुमन रॉय, हम उनसे बात करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो है डीसी साहब से मिलने आए थे, जो कोशिश हिंदू राष्ट्र शक्ति के तरफ से हम लोग किए थे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिंदू धर्म के लिए जो हमारा लास्ट रिचुअल रहता है, जो अस्थि विसर्जन रहता है, उसका एक घाट यहाँ पर निर्माण करें, क्योंकि यहाँ पे जो है लाखों रुपया का खर्चा होता है एक अस्थि विसर्जन के लिए, जब हम मेनलैंड में जाके करते हैं, तो वही चीज़ अगर यहाँ पे हो जाए तो हमारे हिंदू भाइयों और बहनों और लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ होगा ये। और एक ये ऐसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक जन का मृत्यु के बाद उनका आत्मा का शांति के लिए कुछ ऐसा काम करना, तो ये चीज़ को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, पहले जो है सीएस जी से हम लोग मिले थे, मैं अमिनोती मैडम और रमन्ना भैया जी हम लोग मिले थे, मिलके जो है इसको एक लेटर दिए थे, ये प्रस्ताव को रखे थे, और वो उसी टाइम उसी समय इसको एक्सेप्ट करते हुए हमारे ही सामने सब सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है उनको कॉल करके ये सूचना दे दिया था हमारे सामने ही। और ये बहुत खुशी का बात है कि बहुत ही जल्द, मतलब बिना समय गवाते हुए, कोरोना के बीच में भी इन लोग इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझे और ये जो है आगे बढ़ रहा है, ये अभी ऑफिशियली जो है यहाँ पे निर्माण होगा, इसका डिक्लेरेशन हुआ है, तो इससे हम बहुत ही खुश हैं। और पूरे हिंदू जाति के तरफ से मैं हमारे सीएसजी और डीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। सर ये बात ऐसा है कि सर, जैसा हिंदुइज्म में हिंदू के हर कास्ट में, मतलब हिंदू के हर जितने भी जाति है, वादी है, वो सब में ये चीज़ ज़रूर मतलब होता है कि जो भी अस्थियाँ हैं उसे जाके गंगा में विसर्जन किया जाए, जो यहाँ से मतलब जाके करने के लिए बहुत पैसे खर्च होते थे, तो अब इस बार सीएस सर और डीसी सर ने ये मतलब एक अच्छा ऑप्शन लेकर यहाँ पर ही वो घाट बनाने का, निर्माण करने का काम किया है, तो इस बारे में इस न्यूज साप्ताहिक के द्वारा आपको आइलैंडर्स देख रहे हैं, तो आप उनको कुछ विशेष देंगे? आप देखिए, ये तो उनको जब देखेंगे उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो काम हुआ है, ये जो शांति घाट का जो काम हो रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उनको खुद ही मालूम है। तो मैं आशा यही रखूँगा कि हमारा सबका जो आशा था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इस पार्ट में खड़े उतरे हैं, और हम सभी हिंदुओं को एक आभार प्रकट करना चाहिए उनको,
ताकि ये तो वन टाइम का नहीं है, ये तो आने वाले 100-100 साल तक अभी इसमें काम होगा, इसमें अपने आस्थाओं का मतलब संपन्न होगा, अपना आस्थाओं का जो है वो रेस्पेक्ट रखा जाएगा इस जगह पे। तो ऑब्वियसली सारे हिंदू भाइयों और बहनों से और गुरुजनों से यही प्रार्थना रहेगा कि अपना जो धर्म है, अपना जो संस्कार है, इसको बखूबी से बहुत ही रेस्पेक्टफुली इसको आगे बढ़ाएं, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और हम जैसे लोगों का जितना भी योगदान रहेगा हम दिन रात मेहनत करेंगे, बस आप सब हम सब साथ में रहें। तो जैसा अभी आपने हिंदू राष्ट्र शक्ति से जुड़े, उस संगठन से जुड़े और कई लोगों से बात की, और जैसा उन्होंने बताया कि डीसी सर ने उनसे क्या कहा, और आइए इसी को विषय को हम आगे भी आपको कंटिन्यू रखेंगे और इसकी पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।